हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और एट द रेट डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी AACCC के रिजल्ट से रिलेटेड, यानी ऑल इंडिया कोटा 15% का जो रिजल्ट है, प्रोविजनल रिजल्ट, वो ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। उसके रिलेशन में मैंने वीडियो, जैसे ही रिजल्ट आया था उसके तुरंत बाद आपको अपडेट कर दिया था वीडियो बनाकर, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर जल्दी से अपडेट करना था तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ उसमें डिस्कस नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा था कि जो रिज़ल्ट की PDF है उससे मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करके और एनालिसिस करके आपको बता दूंगा कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट राउंड की क्या कट ऑफ रही है गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो उसके लिए ये वीडियो है। और इससे पहले जो कल मैंने वीडियो डाली थी वो डाली थी मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, और जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी बिल्कुल उसी तरह गया है। मैंने कहा था जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड में पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत लो रहने वाली है, वो वैसा ही हुआ जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बताई थी कॉलेज वाइज कल कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर आप उस डेटा को कंपेयर करेंगे आपको खुद समझ में आएगा मैंने जो बताया था उससे भी कम गई है यहाँ पर, क्योंकि मैंने एकदम सेफ वाला बताया था, क्योंकि एकदम सेफ डाटा रहता है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहे। बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पर लो बता दिया जाता तो वहाँ पर स्टूडेंट को वैसे ही नहीं लगता कि वो रियल है, लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है, यहाँ पर खुद से आप चेक कर सकते हैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा राउंड वन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जिसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी, और आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना एक्यूरेटली मैंने एकदम सेफ वाला बताया था। और मैंने कहा था जैसे कि लो रहने वाली है कट ऑफ, और सेम यहाँ पर लो रही है, जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स ये बोले भी कि कट ऑफ हाई रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर खुद भी चेक कर सकते हैं। और उसका रीज़न मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देख लें, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या रीज़न था मैंने बताया था कि कम रहेगी, वही यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात की जाए अभी फर्स्ट राउंड में जो रही है, तो यहाँ पर जो भी रैंक है वो ऑल इंडिया रैंक है, एक बात का ध्यान रखें आप। और हाँ, पिछली वीडियो में कुछ स्टूडेंट की क्वेरी आई थी कि कैसे वो चेक करेंगे कि उनका कॉलेज कोई अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, तो जो लिस्ट आई है, जो PDF आई है प्रोविजनल रिजल्ट की, उसमें अगर उनकी ऑल इंडिया रैंक है तो इसका मतलब उनको कॉलेज अलॉट हो गया है, और जो भी उनके रैंक के सामने कॉलेज है वही अलॉट हुआ है। और अगर वो ऑल इंडिया रैंक उनकी नहीं है तो इसका मतलब उनको जो चॉइस फिलिंग में उन्होंने कॉलेज दिए थे उसमें से कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर पहले कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं जो राउंड वन की रही है 2023 के लिए, यहाँ पर ध्यान दें, जो स्टूडेंट बाद में वीडियो देखेंगे वो इसको याद रखें, ये 2023 की राउंड वन की AACCC की कट ऑफ है। BAMS के लिए बात की जाए तो जनरल के लिए रही है 78,030 ऑल इंडिया रैंक तक, ये गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस को मिला के मैंने डाटा को एक्सट्रैक्ट किया है PDF से, तो इसमें भी काफ़ी टाइम लगा, इसमें थोड़ी डिले रही वीडियो, तो इसको थोड़ा आप मैनेज करना, क्योंकि डाटा को एक्सट्रैक्ट करना पूरी PDF में एक एक नेम के थ्रू वो काफ़ी हैक्टिक तो रहता है। तो यहाँ पर जनरल के लिए 78,000, और जबकि मैंने जो एक्सपेक्टेड बताई थी BAMS के लिए वो 65,000 से 70,000 बताया था मैंने कि ये तो डेफिनेटली रहेगी, इससे ऊपर तो जा सकती है। यहाँ पर देखो आराम से 78,030 तक मिल गया है गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज BAMS के लिए। EWS से 81,746 ऑल इंडिया रैंक तक मिल गया है, मैंने बताया था 67 से 72 के बीच में, तो यहाँ पर देखेंगे काफ़ी लो रही उसके कंपेरिजन में भी। OBC के लिए 81,716, यहाँ पर भी काफ़ी लो रही OBC से जब कंपेयर करेंगे, 65,000 से 70,000 के बीच में मैंने यहाँ पर बताया था। SC के लिए 203,801 गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट को मिला के रही, जो कि काफ़ी कम है आप खुद देख सकते हैं। और ST के लिए मैंने 240 से 260 के बीच में बताया था एकदम एग्जैक्ट वाला, और यहाँ पर आप देखेंगे तो उससे भी लो यहाँ पर रही है 310,783 ऑल इंडिया रैंक तक गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ रही है फर्स्ट राउंड की BAMS के लिए। अब आगे अगर बात की जाए BHMS कोर्स के लिए, तो BHMS कोर्स के लिए फर्स्ट राउंड की अनरिजर्व के लिए 154,203, और जबकि मैंने बताया था 145 से 150 के बीच में रहेगी, तो देखो उससे भी कम गई है। EWS के लिए 188,664 ऑल इंडिया रैंक तक यहाँ पर सीट मिल गई है गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट की, मैंने एक्सपेक्टेड बताया था 155 से 162 के बीच, ये उससे भी लो गई है। उसी तरह से OBC की मैंने 152 तक एक्सपेक्टेड बताया था, ये उससे भी लो गई यहाँ पर। OBC के लिए 163,485, SC के लिए 290,879, और मैंने एक्सपेक्टेड बताया था आपको कल 245,000 से 265,000 के बीच में, तो यहाँ पर भी बहुत कम रही है कट ऑफ, तो ये काफ़ी खुशखबरी की बात है। तो इसका जो मेन रीज़न था वो यही था कि नंबर ऑफ़ कॉलेज जो हैं फर्स्ट राउंड में यहाँ पर मेजोरिटी को परमिशन मिल गई है, सिर्फ कुछ कॉलेजेस बचे हैं, जबकि पिछले साल ऐसा था बहुत ज़्यादा काफ़ी कॉलेजेस बचे थे जिनको फर्स्ट राउंड में परमिशन नहीं मिली थी। अभी भी हालांकि जो परमिशन का स्टेटस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है प्रोसेस, जैसे ही फाइनल लिस्ट आएगी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।
और जितने स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी प्राइवेट कॉलेजेस वाली स्टेट वाली, मैंने बताया था कि पूरे इस ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनकी जो काउंसलिंग है उनका क्या स्टेटस है, किन किन स्टेट में शुरू हो गई है और किन किन में अभी होना बाकी है, वो मैंने सुबह वीडियो के थ्रू बताया था, आप उसको जाकर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और ऐप जो चैनल है एंट्रेंस वाला वहाँ पर भी पड़ी हुई है। एसटी के लिए 419,587 जबकि मैंने जो एक्सपेक्ट किया था 420,000 तक, 390,000 से 420,000 के बीच में, तो उसी रेंज में आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है एसटी के लिए। बीएचएमएस बीयूएमएस के लिए मैंने थोड़ा बताया था आपको, क्योंकि दो कॉलेज यहाँ पर अभी नहीं ऐड हुए हैं बीयूएमएस के फर्स्ट राउंड में, अभी उनका प्रोसेस जो परमिशन देने का वो नहीं कम्प्लीट हुआ है, लेकिन ये जो मैंने कट ऑफ डाली ये आपके सामने रखी है, ये एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने जो लिखा है सिर्फ और सिर्फ, और ये सिर्फ बीओएमएस के लिए नहीं है, बाकी कैटेगरीज के लिए भी यही स्टेटस है। मैंने जो कट ऑफ बताई है सिर्फ और सिर्फ प्लेन कैटेगरी के लिए बताई है। प्लेन का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई और कैटेगरी नहीं, सब कैटेगरी नहीं है, सब कैटेगरी नहीं है। एक होती है कैटेगरी जैसे अनरिजर्व, एक होती है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अब इन कैटेगरीज के अंदर भी कोई ना कोई रिजर्वेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी जैन का कोटा होता है तो उसमें कट ऑफ काफ़ी लो गई है, और बीयूएमएस के अंदर मुस्लिम के लिए एक कोटा है कुछ कॉलेज के अंदर तो वहाँ पर भी कट ऑफ कम गई है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया सिर्फ जनरल से, मतलब अगर आप जनरल किसी भी कैटेगरी के हैं तब आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो 138,476 तक फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट, ईडब्ल्यूएस के लिए 127,000 तक, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने 155 से 170 तक बताया था, तो कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे यहाँ पर तो डेटा गलत रहा, तो ये डेटा गलत नहीं रहा। अगर आप जनरल के लिए अगर कोटा मिला के माइनॉरिटी का देखेंगे तो माइनॉरिटी का कोटा मिलाकर 190,000 तक जो सीट है वो मिल गई है जनरल के लिए। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस एससी के लिए भी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए भी 190,000 के आसपास तक जो है सीट मिल गई है माइनॉरिटी का कोटा यहाँ पर लगाएंगे तो, क्योंकि बीयूएमएस के कॉलेजेस में माइनॉरिटी का कोटा है माइनॉरिटी जैन माइनॉरिटी मुस्लिम, तो वहाँ पर जब देखें तो ये जो मैंने बताया ये सिर्फ विदाउट एनी सब कैटेगरी के है, सिर्फ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी कोटा के लिए। ओबीसी के लिए 154,583, एससी के लिए 296,870, एसटी के लिए 448,513। तो यहाँ पर भी ये जो डेटा है सिर्फ और सिर्फ प्लेन कैटेगरी के लिए है, सब कैटेगरी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। तो ये रहा जो फर्स्ट राउंड का एनालिसिस है जो कट ऑफ रही, अब इसके बेस पर आप देखेंगे तो सेकेंड राउंड में भी पिछले साल के मुकाबले कम रहने वाली है कट ऑफ ऑब्वियसली, और जितने भी कट ऑफ रहेगी सेकेंड राउंड में वो हालांकि काफ़ी स्टूडेंट को लग सकता है कि हाई रहे, लेकिन उसके बाद जो थर्ड राउंड होगा आप देखना ऐसी धड़ाम से कट ऑफ गिरेगी, आपको खुद हैरत होगी देखकर। उसका रीज़न सिंपल सा ये है, अभी यहाँ पर फर्स्ट राउंड में स्टूडेंट को क्या फ्री एग्जिट है उनके पास, तो फ्रीली कॉलेज भर देंगे, जो नहीं भी चाहिए होगा भर देंगे, कॉलेज नहीं लेना है नहीं लेंगे एडमिशन, क्योंकि वहाँ पर फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। फ्री एग्जिट का मतलब क्या होता है, कॉलेज अलॉट हो गया और आप अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी बची रहेगी। तो फर्स्ट राउंड में भी ऐसा है, आपको कॉलेज अलॉट हुआ अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब अपने आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे और आपकी सिक्योरिटी मनी भी बची रहेगी। उसी तरह सेकंड राउंड में भी आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ आप एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी आप जो थर्ड राउंड है उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, सिक्योरिटी मनी भी बची रहेगी। लेकिन जो थर्ड राउंड है वहाँ पर क्रूशियल पॉइंट ये आ जाता है कि आप कॉलेज को अगर आपको कोई मिला है तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, और अगर छोड़ दिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी भी गई, प्लस आप अगली किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ वही कॉलेज भरेंगे जो उनको चाहिए होगा, तो बेवजह वाली जो कट ऑफ बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी यहाँ पर, थर्ड राउंड में जो एक्चुअल कट ऑफ है वो निकल के आएगी, ठीक है। और बाकी जैसे ही सेकेंड राउंड यहाँ पर शुरू होगा उस टाइम पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी सेकेंड राउंड के लिए बता दूंगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, और जो लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ से जाकर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेंगे, और उसके डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक होगा उसको डाउनलोड कर जस्ट 1,000 रुपीज़ में अपनी जो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए गाइडेंस पा सकते हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा के कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर टीम के थ्रू आपको दिया जाएगा, सारी क्वेरीज प्लस आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट सब कुछ। तो जो लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, तब तक के लिए थैंक यू।